नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के रोजगार समाचार में। इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC द्वारा तकनीशियन बी के 54 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती तकनीशियन बी के कई पदों पर निकली है, जिनमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के 2 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 33 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन के 8 पोस्ट, फोटोग्राफी के लिए 2 पोस्ट और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 9 पोस्ट शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट NRSC.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। इस परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवार से आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपए लिए जाएंगे। हालांकि जो उम्मीदवार SC ST PH है या महिला कैंडिडेट हैं, उन्हें पूरे आवेदन शुल्क रिफंड कर दिए जाएंगे। बाकी अन्य उम्मीदवारों को 400 रुपए रिफंड किए जाएंगे। यह रिफंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा के बाद किया जाएगा। यह रिफंड CBT के बाद किया जाएगा। उम्मीदवार आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए योग्यता के बारे में। उम्मीदवार को 10वीं पास होने के साथ ITI पास होना भी अनिवार्य रखा गया है। तो तकनीशियन बी में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के पद के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI पास होना जरूरी है। वहीं इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI होना जरूरी। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए ITI, फोटोग्राफी के पद के लिए फोटोग्राफी में ITI होना और आखिरी में डेस्कटॉप प्रकाशन ऑपरेटर के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर में ITI पास होना जरूरी है। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह लगभग 31,682 रुपए वेतन के रूप में दिए जाएंगे। आइए अब जानेंगे इस पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा के बारे में। तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि जो लोग आरक्षित वर्ष से अपना संबंध रखते हैं, उन्हें राष्ट्रीय इसरो रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा अधिकतम आयु सीमा में छूट दिए जाएंगे। आइए बात करते हैं उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया के बारे में। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी, जिसमें उम्मीदवारों को 1.5 घंटे में सौंक के 80 बहुवैकल्पिक प्रश्न हल करने होंगे। उसके बाद उत्तीर्णता के मानदंड को परखा जाएगा। आगे उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। फिर चयनित उम्मीदवारों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए अब आखिरी में बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। लेकिन आवेदन करने से पहले जरूरी है कि उम्मीदवार इसके अधिसूचना को एक बार जरूर पढ़ें। नोटिफिकेशन लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आगे आवेदन के लिए आपको सबसे पहले इसरो NRSC के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप चाहे तो यहां से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आवेदन लिंक की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसके आधिकारिक वेबसाइट पर आने के बाद आप खुद को यहां रजिस्टर कर लें। फिर आगे आवेदन लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र भरें। मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें, शुल्क का भुगतान करें, आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आवेदन पूरे होने के बाद अपने पास आवेदन के प्रिंट को रख लें, क्योंकि भविष्य में यह काम आ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।